नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ आएंगे और सॉस वगैरह ग्रेवी वगैरह इसमें पड़ता है। नेक्स्ट ट्रिप क्या होने वाला है मैं अभी प्लान कर रहा हूँ। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं ब्लॉग बनाऊंगा भाई घर का, मतलब अपने लखनऊ का ब्लॉग बनाने वाला हूँ। आज मैं कहीं पर ट्रेवलिंग नहीं करने वाला हूँ क्योंकि भाई मैं घर में आया हूँ तो एक हफ्ते तो घर में रेस्ट करूँगा। और अभी भाई यहाँ पर मैं चाय पी रहा था और भाई देखो ना हमारे तरफ की तरफ भाई ये चलता है जीरा, मतलब यहाँ पर वो ब्रेड वगैरह भी मिलता है पर भाई मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लखनऊ में जब भी आता हूँ तो यही खाता हूँ, ये अदर जगह बहुत मुश्किल से मिलता है। और मैं आपको थोड़ा अपना घर दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई ये है हमारा किचन, किचन कुछ ऐसा है और एक ये रूम है, इसी पे सोते हैं हम भाई सब जितने लोग भी घर में रहते हैं। घर में कौन कौन आई है भाई, मम्मी है, भाई है, मैं हूँ, बस तीन लोग हैं। और देखो भाई कुछ ऐसा ये रूम है हमारा, जो है लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है। कल इसको भाई इतने दिन बाद 4 महीने बाद ऑन किया, बहुत स्लो ऑन हो रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। मेरा भाई ऑन किया था उसको शट डाउन जाके डायरेक्ट स्क्रीन से नहीं किया, बटन से बंद कर दिया था तो वो पता नहीं क्या हो गया था। काफ़ी देर बाद उसको स्टार्ट किया तो स्टार्ट हुआ। अभी फाइल वगैरह सारा जो मोबाइल में पड़ा है सब कुछ उसमें ट्रांसफर। कल से भाई कैमरा लाया था वैसे वैसे रखा था, चार्ज नहीं हुआ था, जैसे मैं वीडियो स्टार्ट किया कैमरा ऑफ हो गया। तो अभी थोड़ा देर लगा के चार्ज किया हूँ यहाँ पे, उसके बाद भाई वीडियो भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और भाई देखो मैंने बैग जब से लाया यहीं पर यहीं रखा हुआ है, ला के यहीं रख दिया। इतना मतलब कि थका हुआ था कि घर पे आया कल से सो ही रहा हूँ, लगातार सो रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, बस खा रहा हूँ सो रहा हूँ। और भाई यहाँ पे बाहर में खड़ी है हमारी थन्नो, ये है हमारी स्कूटी और इसमें भाई सोनी ट्रेवलिंग, ये मैं नहीं लिखाया था भाई, मेरे भाई ने लिखा दिया था। जब 10,000 मेरे सब्सक्राइबर हुए थे तो मेरे भाई ने लिखाया था, इसका स्टोरी वगैरह मैंने लगाया था। पर अच्छा है सोनी ट्रैवलिंग, इसी को लेकर घूमेंगे। तो वैसे तो मैं भाई आपको बता दूँ ये मेरी साइकिल है, इसके पहले मैं यही साइकिल यूज करता था। वो स्कूटी तो ज़्यादातर मेरा भाई चलाता है, मैं जब यहाँ पे जॉब करता था तो साइकिल से ही जाता था, पर अभी साइकिल तो उसका हवा निकल गया है तो स्कूटी से घूमूंगा नहीं साइकिल से घूमूंगा। बना मुझे भाई साइकिल से घूमने में लखनऊ ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि स्कूटी के लिए ना लखनऊ भाई हर जगह आपको पार्किंग ढूंढना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, चलान यहाँ पर जगह जगह पर काट देते हैं। और यहाँ से भाई बाहर का नज़ारा देखो कुछ ऐसा है, दुकान वगैरह लगी हुई है, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा ही। यहीं पर रहता हूँ और अभी थोड़ा शाम को चलूँगा थोड़ा मार्केट वगैरह घूमने, अभी तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ, जब से आया भाई रेस्ट ही रेस्ट चल रहा है, रेस्ट ही रेस्ट चल रहा है। और ऊपर में काफ़ी लोग रहते हैं अलग अलग किराएदार, मैं यहाँ पर रेंट पर रहता हूँ ना इसीलिए ऊपर में काफ़ी लोग रहते हैं, इधर में भी रहते हैं, तो ऐसा ही सीन चल रहा है। और मेरा घर तो आप लोगों को पता ही भाई, मेरा घर अयोध्या में है, यहाँ पे मैं लखनऊ में रेंट पे रहता हूँ, पर भाई 10 साल से यहीं पे सिख हूँ, गांव वगैरह बहुत कम जाता हूँ, बिल्कुल ना के बराबर। तो भाई अभी जो है हम जा रहे हैं खाना खाने और हमारा खाना निकल चुका है। और भाई आज मम्मी जी ने पूरा देखो चावल जला दिए हैं, देख रहे हो भाई इतने दिन बाद मतलब कि आए हैं तो यार अच्छा खाना मिलना चाहिए, पर हो सकता है भाई मम्मी को दुकान जाना रहता है ना तो वो जल्दी जल्दी में सुबह सुबह खाना बनाई है तो वो जल गया होगा, तो अभी चले गए हैं। और ये है मेरा भाई, अभी देखो इसका कैसे खाना खा रहा है, स्टूल लगा के नीचे में खा रहा, अपना टेबल दिखाओ जरा से टेबल, देख रहे हो भाई ये है इसका टेबल है। अभी अभी जॉब से आया है, खाना खाने के लिए आया है, अभी जॉब पे गया था, पास में ही है तो खाना ऐसा टिफिन लेकर नहीं जाता, आ जाता है दोपहर में खाना खाने के लिए। और भाई हमने ये भी निकाल लिया अपना कंबल, भाई इसी 2 कंबल से मैं भाई पूरे 4 महीने सरवाइव किया भाई, नवंबर दिसंबर मतलब एकदम कड़ाके वाली ठंडी भाई इसी से सरवाइव किया पहाड़ों में बिल्कुल। पर ये भाई 4 महीने से इतना बदबू मारने लगा है, 4 महीने इसी को यूज किया हो तो इसकी हालत ख़राब हो गई, तो इसको भाई अभी आया हूँ तो अच्छे से धुल के फिर नया ट्रिप स्टार्ट करूँगा तो उसमें ले जाऊँगा। अभी भाई अभी गर्मी आ गई है तो मैं स्लीपिंग बैग नहीं ले रहा हूँ, बाद में स्लीपिंग बैग लूँगा। और यह मेरा बैग भी फट गया, एक ऑनलाइन बैग भी मंगाना है, ये बैग तो भाई इस ट्रिप में नहीं चल पाएगा, क्या कर सकता हूँ भाई, बजट बहुत लो है, पर कोशिश करता हूँ एक कोई ऑनलाइन से भाई मंगाता हूँ। चलो भाई इसको धुल डालते हैं, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा भाई, ये सब मुझे पसंद नहीं है इतना मेहनत करना, यह है भाई हमारा बाथरूम, क्या करूँ पर मजबूरी है भाई, धुलना तो पड़ेगा ही, कपड़ा धुलना भाई ज़िंदगी का सबसे कठिन काम मुझे लगता है भाई कपड़ा धुलना, पर क्या करोगे धुलना तो पड़ेगा। अभी भाई जो है नहा धो के निकल चुका हूँ मैं, मतलब शाम हो चुकी है तो बाहर में नहा लिया, उसके बाद आराम कर रहा था। और अभी भाई निकल चुका हूँ थोड़ा मार्केट घूमने के लिए और काफ़ी दिन बाद भाई साइकिल चला रहा हूँ मैं
थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि 4.5 महीने बाद भाई मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो ऐसे ही लग रहा है भाई। मैं थोड़ा सोच रहा था कि साइकिल से एक यात्रा कर दी जाए क्या भाई इंडिया की, कैसा रहेगा? आप लोग कमेंट करके बताओ भाई, एक साइकिल यात्रा करते हैं ना, लोग जाते हैं यार इधर उधर साइकिल से। मैं भी सोच रहा था पर भाई मुझे हिचकिंग ज़्यादा समझ में आती भाई, जैसे साइकिल में ये रहता है ना यार, गाँव वगैरह में नहीं जा सकते इसे वीडियो बनाने के लिए, जगह ढूंढना पड़ता है ना साइकिल रखने के लिए, इसीलिए भाई मैं साइकिल नहीं प्रिपेयर करता हूँ भाई, मुझे ऐसे हिचकिंग अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था आप लोगों से, बताओ ना थोड़ा, अगर दोगे आइडिया तो सोच सकता हूँ, नहीं तो फिलहाल बस मैं अभी थोड़ा लखनऊ का शेयर करने निकला हूँ काफ़ी दिन बाद। अरे इतने दिन बाद आया हूँ भाई, थोड़ा लखनऊ तो घूमूंगा ना। और स्कूटी नहीं लिया भाई, स्कूटी में यार बहुत प्रॉब्लम है इधर में भी, यहाँ तो ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे चौराहा है मार्केट एरिया में, उधर में भाई सड़क पे खड़ा करो चलान काट देते हैं। मैं 2000 का चलान उसमें कटा चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसीलिए उसको पार्किंग में लगाओ, उधर में दूर दूर पार्किंग है तो दिक्कत हो जाती है। और अभी सामने में मार्केट चल रहा हूँ, थोड़ी दूर है यहाँ से, हमारे रोम से लगभग जो है 1 किलोमीटर दूर है, तो क्या करना, चलेंगे मार्केट में। यहाँ का भाई कबाब रोल खाएंगे, बहुत फेमस है भाई इन कबाब रोल, भाई बहुत दिन हो गया, 4.5 महीने हो गया कबाब रोल नहीं खाया, खाता हूँ मज़ा आएगा। देखता हूँ भाई रेट वगैरह बढ़ा कि नहीं, पहले तो 25 रुपये का था, जब मैं लखनऊ आया था 15 का था 10 साल पहले, पर अभी 25 रुपये का हो गया है। कोई नहीं, रेट तो बढ़ता रहता है, अभी 5 रुपये और ना बढ़ गया वो 30 रुपये का, पर भाई बहुत टेस्टी है, यूनिक है भाई, पूरे नॉर्थ ईस्ट में वो नहीं मिलता है, इधर मिल जाएगा, इंडिया के कई सारे पार्ट में बहुत मुश्किल से वो मिलता है, कहीं कहीं मिल जाता है। बढ़िया 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 भाई बढ़िया। पूछ रहे भाई यूट्यूबर भाई, ये गोप्रो से शूट करो ना, तो लोग पूछते रहते हैं, क्योंकि भाई मोबाइल से कितना भी शूट करोगे लोग उतना नहीं पूछते हैं, पर अगर आप भाई गोप्रो लेकर शूट कर रहे हो, पर ये साइकिल पर गोप्रो शूट नहीं कर रहा भाई, स्कूटी लेकर आना चाहिए, फिर उसमें हेलमेट लो, उसमें फिर वो सब लगाओ, पूरा सेटअप चाहिए ना उसके लिए, इसीलिए भाई मैं थोड़ा नहीं शूट किया। और स्कूटी से भाई शूट करना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं स्कूटी वगैरह बहुत कम ही चलाता हूँ, साइकिल से आदत है मेरी, उसको एक हाथ से चलाओ एक हाथ से शूट करो, ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो कोई नहीं चलते रहेंगे। ये है भाई मार्केट एरिया, मेन मार्केट एरिया इसी को बोलते हैं, ये पूरा चिनहट का बहुत ही फेमस मार्केट, हमारे यहाँ का भाई यही मेन मार्केट है। वैसे तो लखनऊ अंदर जाएंगे बहुत मार्केट मिलेगी, पर मैं यहीं पे आया हूँ घूमने के लिए, थोड़ा आगे चलता हूँ देख लूँगा, काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स आपको यहाँ पे दोनों साइड देखने को मिलेंगे। और यहीं पे पीछे में मैं जॉब करता था कपड़े की शॉप पे, अभी फिलहाल वहाँ नहीं जाऊँगे, नहीं पूछेंगे भाई, बिना बोले मैं छोड़ के जॉब भाग गया था घूमने के लिए, और अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो भाई ट्रैफिक लाइट वगैरह लगी हुई ना, यहाँ पे कहीं पे भी आप गाड़ी खड़ा करोगे भाई चलान काट देंगे, कहीं पे भी गाड़ी खड़ा करोगे तो। इसी के भाई मैं बात कर रहा था, नंबर 1 वेज रेस्टोरेंट भाई यहीं पे, ये भाई लखनऊ का बहुत ही फेमस है भाई कबाब पराठा, तो भाई एक पराठा बना दो बढ़िया ज़बरदस्त, सेक के दिखाओ यार, वीडियो बनाएगा यार। हमें तो पहचान रहे हो ना, क्या हाल चाल है, बढ़िया है बढ़िया भाई। हाँ तो भाई यहाँ पे अभी देखो ऐसे ही बनता है, उल्टा तावा करके रखा हुआ है और इस पर भाई पराठा सेकेंगे, ये क्या बात है जबरदस्त, स्टाइलिश सेको भाई स्टाइलिश। उसके बाद भाई ये पराठा सेकने के बाद भाई इस पर लगेगा कबाब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हेलो गाइस देख रहे हो भाई, ये अभी पराठा सेका जा रहा है, ऐसे ही यहाँ पे सेकते हैं। हाँ भाई ये है कबाब, इसको कबाब को सेकेंगे, उसके बाद भाई पराठा पे लगाएंगे और सॉस वगैरह ग्रेवी वगैरह इसमें पड़ता है। ये भाई हमारा रोल आ गया, इसको जानते भाई कैसे खाते, ये कागज ऊपर से थोड़ा थोड़ा फाड़ते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे भाई। अभी जो है यहाँ पे वेज रोल 20 रुपये का हो गया, मैं आपको बताया था ना भाई 25 रुपये का है, यहाँ पे 5 रुपये और सस्ता कर दे, भाई से मैंने पूछा क्यों सस्ता कर दिया, तो बोला है क्योंकि सामने में भी भाई एक वेज रोल की दुकान खुल गई है, इसके पहले ये अकेला था वेज रोल वाला, तो भाई अकेले थे तो लूट रहे थे।
अभी भाई दो दुकानें हो गई हैं तो इसलिए भाई 5 रुपये सस्ता कर दिया। मैंने सोचा था भाई 4 महीने बाद थोड़े रेट बढ़े होंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सस्ता हो गया, अच्छी बात है। देख रहे हो भाई, ये है लखनऊ की ट्रैफिक। पीछे से आ रहा हूँ, पीछे तो मैंने टूटी नहीं किया, ये ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज के ऊपर से अगर मैं मतलब नीचे से जब आ रहा तो इतना भीड़ था कि वहाँ कैमरा निकाल के मैं शूट नहीं कर सकता, क्योंकि साइकिल भी चला रहा हूँ। और देख रहे हो भाई, पूरा अंदर पूरा मार्केट बना, मार्केट एरिया में जा रहे हैं और पूरा भीड़ ही भीड़ है। भाई साहब देखो, यहाँ का बीकली बाज़ार में कैसे भीड़ लगता है। यहाँ पे अभी लगा हुआ है बीकली बाज़ार। भाई यहाँ पे ऐसे बहुत सारा जगह तो होता नहीं है, सड़क पर ही बीकली बाज़ार लगता है। ये पूरी मार्केट है और यहाँ पे लगा हुआ है बीकली बाज़ार, और भाई भीड़ तो आप देख ही रहे हो। भाई नॉर्थ ईस्ट वगैरह में होता है, बहुत सारा जगह होता है गाँव एरिया में, भाई मैदान पड़े होते हैं वहाँ पर बीकली बाज़ार लग जाता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो भाई रोडों पे ही लगता है ना बीकली बाज़ार। कल भाई मैं एक कमेंट पढ़ा था, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आपका जो है 4.5 महीने में जो है खर्चा टोटल कितना आया। तो भाई इस पुल को देख रहे हो ना, इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर से नज़ारा भी अच्छा दिखता है, और आपको डिटेल में बताते हैं भाई कितना खर्चा आया है। भाई इधर से मैं आया और इधर भाई साइकिल मैं उठा के चढ़ा लिया। भाई यही तो फायदे है भाई साइकिल के। अभी यही मेरे पास बाइक होता भाई, कितना लंबा मैं घूम के जाता, यू टर्न लेता। और भाई बाइक पे रहो, हेलमेट लगाओ। ये भाई साइकिल से अलग ही मज़ा है, जिधर मर्जी उधर घूमो, जहाँ मर्जी वहाँ खड़ा कर दो, कोई चलान नहीं करना। भाई मुझे हेलमेट लगा के बिल्कुल भी नहीं पसंद है घूमना। अभी भाई ब्रिज के ऊपर आ गया है, ये वाला रास्ता जाता है गोमती नगर लखनऊ। भाई बहुत VIP एरिया, लखनऊ का सबसे VIP एरिया माना जाता है। तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, वहाँ से VIP एरिया जाऊँगा भाई, कल जाऊँगा, आज तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी एक हफ्ता हूँ भाई लखनऊ में। उसके बाद कहीं का अलग का ट्रिप बनेगा, तब तक थोड़ा बहुत तो लखनऊ में कुछ ना कुछ तो बनाता रहूँगा। मुझे पता है थोड़ा बोरिंग होगा, कुछ लोग देखना नहीं पसंद करेंगे, पर भाई कुछ लोग अपडेट मानते हैं ना, उनके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और भाई मैं खर्चे की बात करूँ अगर, तो भाई 4 महीने में जो मेरा खर्चा आया है लगभग, वो भाई 5,000 रुपये। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे पता है, कहोगे भाई कैसे यार 5,000 रुपये खर्चा कर दिए। मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट से जो भाई मैं ट्रेन पकड़ के दिल्ली गया, ऋषिकेश गया, मथुरा गया, उसका नहीं ऐड करूँगा, क्योंकि भाई वो दोस्त के साथ घूम रहा था और ये चेकिंग कैंपिंग की नहीं, मतलब लिफ्ट और कैंपिंग टेंट वगैरह ज़्यादा लगाए नहीं। अब फुल अयासी हुई, जो मर्जी वो खाया, क्योंकि दोस्त था साथ में, तो उसको नहीं। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जो भाई मैं 4 महीना पूरा घुमाना, उसमें 5,000 रुपये खर्चा किए। कोई पूछता है भाई पर डे कितने रुपए आ जाते हैं, तुम कितने रुपए खर्चे करते हो, तो मैं तो बोलता भाई किसी दिन 100 होते हैं, किसी दिन 1 भी रुपया नहीं होता है, हेल्प के ऊपर है भाई। और मैं 4 महीने में कम से कम भाई टेंट 1 महीना भी नहीं लगाऊंगा भाई, इतने सारे दिन सबके रूम में मैं रुका। फिर पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, वहाँ पे भी लोग बोलते हैं भाई टेंट क्यों लगाओगे सीधा ही, और सब यूपी बिहार के लड़के होते हैं, स्टाफ रूम होता है, बोलते आओ यहाँ पे सो जाओ। और किसी के घर के बाहर टेंट के लिए बात करता हूँ, अकेला रहता हूँ, बोलते हैं मेरे घर में सो जाओ। तो भाई टेंट लगाता भी नहीं हूँ मैं, बहुत कम लगा, तो सब लोग बोलते हैं भाई टेंट कहाँ लगाते हो, उसका वीडियो नहीं दिखाते। तो भाई यही रीज़न है, क्योंकि भाई मैं रूमों में सो जाता हूँ, किसी के घर में सो जाता हूँ, कहीं पे सो जाता हूँ, तो टेंट नहीं लगा पाता हूँ, बस यही सीन है भाई। और 4 महीने ट्रिप में 5,000 खर्चा किया, आप समझ लो भाई। ऐसा होता था कभी कभी, मेरा बहुत सारे दिन ऐसे निकल जाते थे एक भी पैसा नहीं खर्चा होता था। वो तो आप भाई वीडियो डेली का देखोगे, पूरे नॉर्थ ईस्ट का सीरीज आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा कितना हेल्प है। वैसे भाई नॉर्थ ईस्ट जैसे लोग भाई पूरे इंडिया में आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। वहाँ के जो ट्राइबल हैं, आसामीज जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, सब भाई वहाँ के बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प मिला। मैं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम लिया, तो अभी दोबारा तो जाना नहीं है, त्रिपुरा स्टेट बचा है, त्रिपुरा में जाऊँगा, तब बाद में जाऊँगा, उसका प्लान थोड़ा दूसरा है। अगर मैं विदेश जाने का सोचूंगा बांग्लादेश, तो भाई त्रिपुरा जाऊँगा, तो सोचा था कि त्रिपुरा घूम के फिर बांग्लादेश जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा। मैं सोचा भाई नेक्स्ट ट्रिप वही का होना, नेक्स्ट ट्रिप क्या होने वाला है मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, वो आपको पता चल जाएगा, 2-3 दिन में पता चल जाएगा, मेरा ट्रिप हो जाएगा, उसके बाद भाई मैं निकल लूँगा। तो बस यही था, और कुछ भाई सवाल हो तो आप भाई कमेंट करो, उसका मैं अगले वीडियो में रिप्लाई करूँगा, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ तो कमेंट में नहीं रिप्लाई करूँगा भाई, सीधा मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा घूम घूम के केवल अपने लखनऊ में। और नज़ारे तो मैंने भाई आपको दिखा ही दिए हैं, इसके ऊपर आया था क्योंकि यहाँ से भाई व्यू अच्छा आता, इसलिए नीचे बहुत भीड़ भाड़ है तो वहाँ पर कहाँ पर वीडियो बनाता।
तो अभी मैं चल रहा हूँ, आज ज़्यादा मैं घूमा नहीं क्योंकि मैं घर से लेट में निकला था। कल थोड़ा जल्दी निकलूँगा तो थोड़ा गोमती नगर एरिया चलूँगा, VIP एरिया वो सब घूमूंगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ वापस भाई घर के लिए। तो भाई अभी जो हम घर पे आ चुके हैं और यहाँ पे अपना लैपटॉप चला रहे हैं और IPL भी साथ साथ में देख रहे हैं। कुछ फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करना भाई, जो 4 महीने की सारी फाइल्स फ़ोटो वगैरह पड़ी हुई हैं वो सब डाल दूंगा भाई लैपटॉप में। और मैंने वीडियो तो सारे भाई YouTube वाले डिलीट कर दिए, YouTube पे अपलोड कर करके मार दिए डिलीट। कितना भाई रख सकता हूँ मैं, मेमोरी वगैरह ले नहीं गया था, हार्ड डिस्क वगैरह ये सब कुछ ले नहीं गया था और अपना ये लैपटॉप भी यहीं पे छोड़ के गया था। क्योंकि भाई ये चेकिंग करो ना तो बहुत मुश्किल होता है इसको कैरी करना, क्योंकि ये टूटने का डर होता है। मैं तो कहीं पे भी ट्रक वरक पर इधर उधर बैग फेंकता रहता हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए भाई YouTube पे वीडियो बहुत लोग रखते हैं भाई, पर मैं तो YouTube पे वीडियो डाल डाल के डिलीट कर देता हूँ, फ़ोन खाली कर लेता हूँ, बस फोटो मेन रखता हूँ। वो अभी आ गया हूँ तो सारा लैपटॉप में डाल के फ़ोन एकदम फ्री करके फिर अगले ट्रिप पे निकलूंगा। तो अभी ये सब करता हूँ, उसके बाद थोड़ा देर बाद खाना पीना होगा। टाइम हो रहा है 11:30। हम भाई लखनऊ में ऐसे ही खाना खाते हैं, डेली यही करनी हमें भाई 11 से 12 बजे के बीच में। और रात के खाने में भाई पूड़ी है, सब्जी है और ये खीर है क्या है सेवई है। छाछ ज्ञान का छाछ है ज्ञान का छाछ है। तो भाई यही खा रहे हैं। दिन में तो मम्मी चावल पूरा जला दी थी और अभी ठीक है, खाना अभी बढ़िया है तो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना रखते हैं, अभी खाना खा के सो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।